मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को खुला चैलेंज देते हैं। अच्छा। मनीष कश्यप और जल्दी रिहा करे, अगर नहीं करेंगे ना, जो अन्याय कर रहे हैं जनता के साथ और मनीष कश्यप के साथ, तो जनता 2024 में ऐसा सबक सिखाएगी। वो विधायक लायक तो क्या छोड़ दीजिए, मुखिया लायक नहीं रहेंगे। अरे वो तो नौवा पहले वो तो बर्बाद किया है ना। हाँ, ये मनीष कश्यप पर ना वो प्रतिशोध की राजनीति करता है। अच्छा। हाँ, वो तो नौवा फेल है। वो तो अगर जब नौवा फेल मुख्यमंत्री बन जाता है, हम लोग तो इंटर बीए पास है, साला हम लोग को चपरासी का नौकरी नहीं मिलता है। उसको घमंड है, कुर्सी का घमंड है इसको, तेजस्वी यादव को, इसलिए उसको FIR करके और उसको जेल भेजा जा रहा है। हम लोग अल्टीमेट देते हैं सरकार को, और 24 घंटे के अंदर अल्टीमेट देते हैं सरकार को 24 घंटे के अंदर। अगर उसको रिहा नहीं किया तो हम लोग पूरा देख रहे हैं ना, जगदीशपुर पूरा आंदोलन करेगा। पूरी सब मिलीजुली सरकार है, ये बीजेपी हो, जदयू हो, ये RJD हो, ये सब चुतिया प्रसाद है। मनीष कश्यप को दबाने का काम हो रहा है यहाँ और वहाँ, ठीक है। हम लोग तेजस्वी जी ने अपने कदी बचाने के लिए मनीष भाई को गिरफ्तारी करवाया, यादव को कुर्सी का अपना डर है, इसलिए उन्होंने मनीष भाई को जेल भेजने का काम किया। दोस्त अभी हम मौजूद हैं पश्चिम चंपारण के जगदीशपुर थाना में, जहां पर आज मनीष कश्यप ने सिलेंडर किया हुआ है थाना में। और देखिए यहां पर तमाम यहां पर समर्थक लोग आए हुए हैं, उनके समर्थक आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार, जगदीशपुर से युवा नेता है भैया। देखिए ऐसा है कि मनीष कश्यप ने आज सुबह 7 बजे आके सरेंडर किए हैं। अच्छा, ये भी बात जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से जगदीशपुर से पैदल आए, सरेंडर किए हैं। यहाँ से सुनिएगा मेरे बातों को, 2 मिनट आपसे टाइम मांगेंगे। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को पीछे ढकेलने का कोशिश किया, पप्पू यादव को पीछे ढकेलने का कोशिश किया। उन्होंने सोचा मनीष हमसे आगे ना निकल के कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ना बैठ जाए, उन्होंने मनीष के ऊपर FIR करवा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे बाप और हमारे परदादा बताया करते थे कि लालू यादव के राज में कितना जंगल राज था, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। हम लोग को लगता था कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, कहीं मजाक करते होंगे, हमको डरवाते होंगे। लेकिन आज तेजस्वी की सरकार में हमको देखने को मिल रहा है कि कितना जंगल राज पूरा मर्डरर विधानसभा को घेरे हुए हैं भैया। मर्डरर, डाकू, रेपिस्ट आज पूरे विधानसभा को घेरे हुए हैं। मैं बिहार सरकार से आज आग्रह करना चाहता हूँ, करिए जेल, जाएंगे जेल, इतना युवा है ना, आपका जेल कम पड़ जाएगा। समर्थन है पूरा जी। यहाँ पर जो गरीब के लिए आवाज उठा रहा है, किसान के लिए आवाज उठा रहा है, उसका आवाज को दबाया जा रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या होता है? देखिए मनीष कश्यप को लोग बोलता है पत्रकार नहीं, भाई मानते हैं पत्रकार नहीं है, अरे गरीब आम आदमी का इतना हक है ना कि वो कहीं भी आवाज उठा सकता है। उन्होंने आवाज उठाता है, वो काम होता है, आवाज उठाया मजदूर के लिए, गरीब के लिए, रोजगार के लिए, उनको दबाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। मैं आपसे बोला नहीं कि उन्होंने ये सोचा एक गरीब का बेटा है कहीं मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ ना जाए, उसी की वजह से उनको धरवा दिए भीतरी बन जाते, इसीलिए दबा दिया है, जेल भेज दिया है। मैंने मुख्यमंत्री आगे आगे चलकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इसलिए उनको दबा दिया गया है। जी जी बिल्कुल। देखिए देखिए भैया, हम एक बात आपसे बताना चाहते हैं, मैं इतना बता वादा करता हूँ, मनीष कश्यप अगर 30 दिन के अंदर नहीं छूटे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे, इसके लिए मर जाएंगे मिट जाएंगे। लेकिन मनीष कश्यप को मनीष कश्यप जेल से नहीं छूटेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? मनीष कश्यप के साथ हुआ है FIR, जेल में गए हैं, सही हुआ गलत हुआ? तो बोल रहे हैं कि ये गलत खबर है, तमिलनाडु गलत खबर है, तो जाके उनका घर गोपालगंज है, गोपालगंज में जाके पूछिए, गोपालगंज के मजदूर तमिलनाडु से आए हुए हैं, जाके पूछिए गलत खबर है कि सही खबर है। मनीष कश्यप को फंसाया गया जी, फंसाया गया है एकदम। वो ट्विटर अपना लिख के बोले थे, हमारे द्वारा जो वीडियो भेजा गया है उसका पत्रकार का नंबर भी भेजे थे, आप इसका जांच कर रही है तेजस्वी यादव। और ईडी का उनके घर पर ईडी का जांच चल रहा है, तेजस्वी यादव घर पर ईडी का जांच चल रहा है, वो चाहते हैं कि वो खबर दूसरे तरफ फैला दे। जगदीशपुर थाना में मनीष कश्यप कितने बजे सिलेंडर किए? वो तो 7 बजे किए हैं, 7 बजे किए जी। बिहार में मनीष कश्यप का ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो वही खबर चाहते हैं कि दूसरे तरफ मोड़ दे तेजस्वी यादव, उनके घर पर ईडी का जांच चल रहा है। तेजस्वी यादव जो दबा रहे हैं जी, दबा रहे हैं, अपना खबर दबा रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री मनीष कश्यप ना बन जाए। आगे चल के बाहर आते हैं जेल से, अब मुख्यमंत्री आप लोग उनको बनाइएगा जी, एकदम मुख्यमंत्री बनाएंगे, एकदम बनाइएगा, मुख्यमंत्री बनाएंगे लोगों, क्या देते मुख्यमंत्री। जो गरीब के लिए लड़ रहा है, आवाज उठा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो आम आदमी के लिए कौन आवाज उठाएगा? कैसे आवाज उठाएगा? जो आप सरकार दबाएगी पत्रकार को, चौथा स्तंभ को, तो कोई कैसे आप लोग की आवाज उठाएगा? सुनिए, कोई भी पत्रकार हो, पत्रकारिता अगर सही करता है, उसके लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं।
कुछ भी करना पड़ेगा। कोई भी पत्रकार अगर सही बात करता है तो उसका हम समर्थन में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मनीष कश्यप के तमाम समर्थक यहाँ पर जगदीशपुर थाना में आए हुए हैं और कह रहे हैं मनीष कश्यप अगर नहीं रिहा होते हैं जल्द से जल्द तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर मनीष कश्यप करने की कोई जरूरत नहीं, उनको बस 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बनाया जी, बना जी 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री, आप 24 घंटे के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाइए बस। देखिए उनको उनको उसके जेल में, अगर मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो विकास करेंगे, पूरा विकास करेंगे, पूरा विकास करेंगे, विकास एकदम होगा। वो व्यक्ति देखिए देखिए तेजस्वी यादव का सरकार यहाँ बिहार में भी है, तमिलनाडु में भी, रुकिए तमिलनाडु में भी उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का मन मिला जुदा भगत वाला है। मनीष कश्यप को दबाने का काम हो रहा है यहाँ और वहाँ, ठीक है। हम लोग मैं तेजस्वी जी ने अपने कदी बचाने के लिए मनीष भाई को गिरफ्तारी करवाए हैं, मनीष कश्यप जी को साजिश के तहत फंसाया गया जी, कौन भेजा? तेजस्वी यादव को कुर्सी का अपना डर है, इसलिए उन्होंने मनीष भाई को जेल भेजने का काम किया। देखिए कितना दुखी है मनीष कश्यप, बहुत दुखी है। हम लोग यहाँ तक देखिए सुबह से देखिए मेरा यहाँ पर नाखून लगा है, देखिए यहाँ पर नाखून लगा है, कैसे लगाए नाखून? पुलिस प्रशासन लोगों ने धक्का मुक्की का लाठी समर्थन में आए थे, पुलिस प्रशासन धक्का मुक्की किया है। देखिए ये फटा हुआ देखिए यहाँ पर मनीष कश्यप के समर्थन में आए हुए थे तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा इनको मारा गया है, देखिए लगा हुआ है, काफी तकलीफ हो रहा है। देखिए यहाँ पर लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है, मनीष कश्यप के लिए आप क्या क्या करेंगे? देखिए मनीष कश्यप अगर बेल नहीं होता है तो हम लोग पूरा बेतिया पूरा जगदीशपुर जितना चक्का जाम करेंगे लोग, हम लोग यहाँ तक कि गरज पड़ गया तो हम लोग अपना जान देने का, जान भी दे देंगे, जान देने तमाम के लोग मनुष्य सबके समर्थन में। हमारा बात सुनिए, हम बोलना चाहे सुनिए, बोले सुनिए, हम दिव्यांग है, दिव्यांग है, दिव्यांग, हाँ देख लिए पैर मार दिखाता हूँ, सर्टिफिकेट देखा है। देखिए हम बोलते हैं सच बात बोलेंगे, वो तेजस्वी यादव नौवा फेल है, आपको भी मालूम है, हम मालूम है, सबका आदमी को मालूम है। आइए भाई तो इंजीनियर फेल, इंजीनियर से पूरा पास हुआ करके आया है और हमेशा सच्चाई के लिए आवाज उठाता है, हाँ वही सच्चाई के लिए आवाज उठाता है, बिल्कुल रोजगार के लिए, रोजगार के लिए आवाज उठाता है, उसी को दबाया जाता है, पत्रकार को दबाया जाता है, क्यों टारगेट किया जा रहा है वो किस लिए, की उसको घमंड है, कुर्सी का घमंड है इसको तेजस्वी यादव को, इसलिए उसको FIR करके और उसको जेल भेजा जा रहा है। हम लोग अल्टीमेट देते हैं सरकार को और 24 घंटे के अंदर अल्टीमेट देते हैं सरकार को 24 घंटे के अंदर, अगर उसको रिहा नहीं किया तो हम लोग पूरा देख रहे हैं तो जगदीशपुर पूरा आंदोलन करेगा, पूरा जाम करेगा, और पूरा हम दिव्यांग अध्यक्ष है, पूरा दिव्यांग को बुलाएंगे, पूरा यहाँ रोड पर जाम करेंगे 24 घंटे अंदर देते हैं टाइम। और ये बोल रहे हैं, ये देखिए वो हमें मनीष कश्यप गलती किया था, वो वहाँ जाकर तमिलनाडु में लड़ के पिटा रहे थे, हमारे भाई को पिटाया वहाँ रोजगार के लड़ रहे हैं, वहाँ मेरा भाई पिटाया, वो आया घर पे रो रहा था कि वहाँ तमिलनाडु, हाँ भाई सच्ची घटना, सच्ची घटना है, हमारा भाई अगर रो रहा था कि वहाँ पे बिहारियों को मारता है लो, टारगेट करता है लो, वहाँ से भगाता है लो, ये बात सच है। लेकिन ये छोटा क्यों गलता है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, वहाँ जाके करता है। आगे चलकर आप लोग मनीष कश्यप को क्या बनाने वाले हैं? हाँ विधायक मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तक बताएंगे, उनको पहुँचाएंगे हम लोग। और देख लीजिए 2024 नजदीक आ रहा है और हम मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को खुला चैलेंज देते हैं, अच्छा मनीष कश्यप और जल्दी रिहा करे, अगर नहीं करेंगे ना जो अन्याय कर रहे हैं जनता के साथ और मनीष कश्यप के साथ, तो जनता 2024 में ऐसा सबक सिखाएगी। वो विधायक लायक तो क्या छोड़ दीजिए, क्या बोलते हैं मुखिया लायक नहीं रहेंगे वो। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप है दंगा फैला रहे बिहार के लिए आवाज उठाता है, हमेशा सच्चाई के लिए वो आवाज उठाता है, इंसाफ के लिए लड़ता है बेचारा। कह रहे हैं मनीष कश्यप दंगा फैला रहा है, बिहार को बर्बाद कर रहा है, उनको अब क्या करना? अरे वो तो नौवा पहले वो तो बर्बाद किया है ना, हाँ ये मनीष कश्यप है ना, वो प्रतिशोध की राजनीति करता है, हाँ वो तो नौवा फेल है, वो तो अगर जब नौवा फेल मुख्यमंत्री बन जाता है, हम लोग तो इंटरव्यू पाल है सर, हम लोग को चपरासी का नौकरी नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है, रोड पर आवाज उठा रहा है, उसको दबा दिया जा रहा है। कैसा सरकार है, कैसा सोच है, कैसा नेता है, उसका तो नियत खराब है, पूरा नियत खराब है, नहीं बिहार को बर्बाद कर रहा है नेता मिलकर, पूरा बर्बाद कर दिया है, बताइए बिहार के लिए इतना आवाज उठा रहे हैं लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा नेता होता। अरे नहीं आया, ये सब मिलीजुली सरकार है, ये बीजेपी हो, जदयू हो, ये RJD हो, ये सब चुतिया प्रसाद है, ठीक है। अब देखिए हम बता देता हूँ, अब आएगा सिर्फ जनता का राज, सुन लिए, अब जनता का राज आएगा, अब भ्रष्टाचारियों का राज नहीं आएगा, और 2000 में हम लोग कसम खा लिए सब जनता मिल के, 2024 आ रहा है ना, कश्यप को मुख्यमंत्री बना देना, बिल्कुल बना देंगे हम लोग, इसके लिए जान दे देंगे, इसके लिए बना के ही रहेंगे, इनको त्याग करना है।
हमको सबको त्याग करने मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री सबको त्याग देंगे। यहाँ पर जन की उनकी आवाज है, लोगों की आवाज है कि मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बना कराएंगे। और आपको बता दें, जो गरीब के लिए, किसान के लिए, रोजगार के लिए आवाज उठा रहा है उसको दबाया जा रहा है।